फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और साथ में हम अदानी विलमार को भी डिस्कस करेंगे और हम भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल को डिस्कस करेंगे और साथ में हम GMM फोडलर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विप्रो लिमिटेड में इस समय खरीदारी का सही मौका बन रहा है, उसके पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लगातार बहुत ही शानदार पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे हैं विप्रो से, जिनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में अदानी विलमार लिमिटेड से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और अदानी विलमार लिमिटेड में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या डिप में खरीदारी का ये मौका है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने बहुत ही शानदार इस बार रिजल्ट पेश किया है और बहुत दिन के बाद जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे क्या वजह, और इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो क्या हमें इस समय भेल में निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखोगे तो GMM फोडलर बहुत ही शानदार इस समय खरीदारी का मौका बन रहा है। GMM फोडलर प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन क्या आने वाले समय में क्या प्राइस नीचे आएगी, तो इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको भी समझ आएगा कि वाकई में इसकी प्राइस नीचे आएगी और क्या उस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर हमें पहले खरीदारी करनी चाहिए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 476 पर आ चुका है, जहां पे 0.55% की तेजी थी। अगर आप देखोगे तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी विप्रो में हमने 0.5% की तेजी देखी। विप्रो की परफॉर्मेंस अगर देखें तो 347 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का ही है फिलहाल स्टॉक, 475 पर है, बिल्कुल यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी आप देखोगे तो 90% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इसके लिए। आप देखोगे तो मार्च 2021 के क्वार्टर में इनको 16,245 का रेवेन्यू मिला था, जो आप देखोगे तो जून 2021 में बढ़कर 18,252 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 19,667 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 20,314 करोड़ तक पहुंचा है और मार्च 2022 आते थे इनका रेवेन्यू 20,860 करोड़ तक पहुँचा है। तो आप देखोगे हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि विप्रो का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं, लगातार कारोबार आगे बढ़ रहा है। ये आप देखोगे तो इन्होंने अपना हेल्थ केयर सर्विस भी शुरू कर दिया, यानी इनका जो प्लांट लगाया गया उसके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मशीनरीज जो ऑपरेशन में काम में आती है, चाहे सिटी स्कैन मशीन हो या ऐसी बहुत सारी मशीनरीज, वो सारी इंडिया में बनेंगी मेक इंडिया के तहत, जिसमें PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आपको विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 470 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 465 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 457 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 484 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 492 की प्राइस देखने को मिलेगी और स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया फिर 497 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका है विप्रो में खरीदारी का, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर, आने वाले समय मुझे लगता है ये बहुत तेज़ी से भागने वाला है। अब चलते हैं हम भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ, तो स्टॉक की प्राइस 50.60 थी, जहाँ पे 3.07% की हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में काफ़ी दबाव है, काफ़ी समय से स्टॉक आपको 50 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ये काफ़ी नीचे भी गया था। अगर आप देखोगे इसका 52 वीक का लो तो 44 रुपीज़ का है और 80 इसका 52 वीक का है, फिलहाल स्टॉक 50 के आसपास है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हैवी मशीनरीज बनाने वाली कंपनी है, ये डिफेंस सेक्टर के लिए भी बहुत सारी इक्विपमेंट बनाती है। अगर आपको पता होगा तो रसिया और यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है तो रसिया से जो हमारे विपणन आते वो बंद हो चुके हैं और लगभग हमारे जितने भी विपणन रसिया से आते, तो ऐसे में अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि सारे के सारे विपणन इंडिया में ही बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया के तहत। तो अगर ऐसे में अगर संभावना जो बन रही है वो भेल को बहुत सारा ऑर्डर मिल सकता है, तो ऐसे में आपको भेल में निवेश के बारे में सोचना ही चाहिए, काफ़ी मुझे लग रहा है अच्छा है। अगर इसके रेवेन्यू को हम देखें तो मार्च 2021 में इनको 7,170 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, जून 2021 में 2,901 करोड़ का रेवेन्यू, सितंबर 2021 में 5,112 करोड़ का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 5,136 करोड़ का रेवेन्यू, जो मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 8,062 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई रेवेन्यू में। बात करें इनके प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में इनको 1,035 करोड़ का लॉस था, जून 2021 में इनका लॉस घटकर 447 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में इनमें लॉस में और कमी आई और 45.98 करोड़ का लॉस हुआ,
दिसंबर में कंपनी आ गई प्रॉफिट में, 27.02 के बीच का इनको प्रॉफिट हुआ। और मार्च 2022 में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, सीधा प्रॉफिट जंप लगाते हुए 912 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देखोगे पिछली बार लगभग 1000 करोड़ का जो इनको लॉस था, इस बार ये करीब 900 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, आने वाले समय ये स्टॉक मल्टीबैग रिटर्न आपको दे सकता है। बस आप इसका नजरिया कम से कम 5 साल का रखें, मुझे लगता है ये 500 को इस बार जाएगा, तो निवेश आपको करना चाहिए। इस बार आपको डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो आपको 0.4 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें इसके पिवट लेवल को, तो यहाँ से स्टॉक गिरता तो 49.80 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 49 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 47.55 का। पॉजिटिव माहौल अगर बना तो 52.05 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 53.50 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 54.30 तक जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल आपको इंट्री करना चाहिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक, इस लेवल पर खरीदारी के लिए मैंने कई बार बोला हुआ है, ये स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलते हैं अदानी विर्मा लिमिटेड की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 668 की प्राइस थी, जहाँ पे 1.49% की गिरावट थी, ये आप देख लो कि लोअर सर्किट नहीं लगा है, और मुझे लगता है जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बन सकती है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 227 इसका 52 वीक का लोअर, 878 52 का हाई है, फिलहाल स्टॉक 662 के आसपास है। इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है, लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है। पिछले दिनों इन्होंने आपको देखा हो तो वजह से इन्होंने कोहिनूर बासमती राइस को अपने नाम पे कर लिया, कंपनी यूएस ब्रांड जो बहुत ही मजबूत कंपनी है और ग्लोबल ब्रांड है, इसको अपना बना लिया है, इससे इनके कारोबार में बहुत वृद्धि होगी। यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि MFI की जो नई लिस्ट जो अगले महीने जारी होने वाली है, उसमें ये लार्ज कैप में आ सकते हैं, LIC और इन दोनों का जो नंबर है वो लार्ज कैप में लग सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे म्यूचुअल फंड एंट्री करेंगे, आपको यहाँ पे कारोबार करते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको अदानी विर्मा में इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। मैंने इसके टारगेट दिए हुए 5 साल के लिए, स्टॉक को अगर आप होल्ड करोगे तो 4000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 46 का पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 631 का है, तीसरा सपोर्ट 610 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 683 तक स्टॉक जाएगा, सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस है वो 703 का है, और वहां तक स्टॉक पहुंच गया फिर 790 तक भी जा सकता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जल्द ही 1000 को क्रॉस करेगा और फिर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे GMM फोडलर लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 4169 की है, जहां पे 1.23% की तेजी देखने को मिली, स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो 16 मार्च 2018 को ये मात्र 700 का स्टॉक था, जो 700 का स्टॉक था वो दौड़ते हुए लगभग आप देखोगे तो 6000 तक चला गया था 21 अगस्त 2020 को, और बहुत ही तेजी से भागा, फिर स्टॉक नीचे आया। अब देखोगे इसकी परफॉर्मेंस तो फिलहाल स्टॉक 4169 के आसपास है। यहाँ पे कंपनी आपको अब बोनस देने जा रही, तो कंपनी ने अपनी तरफ से बोनस डिक्लेयर कर दिया है, और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 25/5/2022, और इसकी एक्स बोनस डेट है 11/7/2022। इसके पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आने चाहिए, तो बिल्कुल आपको वो बोनस मिलेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 12/7/2022 है, और कंपनी आपको पर एक शेयर के ऊपर 2 शेयर बोनस जारी करेगी, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे, और जो भी प्राइस है फिलहाल 4000 के आसपास, तो जब इसकी प्राइस 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी तो लगभग 1300-1400 की प्राइस हो जाएगी, फिर स्टॉक तेजी से आगे फिर से भागना शुरू हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो, इन्होंने क्वार्टर फोर का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है, रेवेन्यू इनका 699.37 करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 52.5% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 16.04 करोड़ भी निकल कर आई है, जहाँ पे 286.41% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 10.97 है, जहाँ पे 286.27% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.29% है, जहाँ पे 151.65% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है, और इसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी है, लगातार कंपनी आपको बोनस देती है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।